हेलो एवरीवन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आप भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि मैं मैट्रिक एग्जाम में या इंटर एग्जाम में मैं फेल हो जाऊँ? क्या आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हो? तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देखनी होगी। एंड आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपके पास बहुत कम समय बच रहा है, 5 से 6 महीना बच रहा है, ठीक है ना? ए बाबा, ए बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। उसमें आपको तैयारी करनी है। अब इसी टाइम में आपको इतने अच्छे तरीके से तैयारी करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसी टाइम जो टाइम बच रहा है, 5 6 7 महीना जो भी बच रहा है ना एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम आने वाला है जो 2023, तो इसमें जो तैयारी करेंगे ना, तो अब करना क्या होगा? हम ये चाह रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए कि आप जब एग्जाम दोगे तो आपके हर एक पेपर में कम से कम 80% मार्क्स आएगा, यानी कि 80 नंबर आएगा। अब मैं क्यों बोलूंगा झूठा आप लोग से, या तो मैं सही बोल रहा हूँ, ये सीक्रेट है ना, ये बात बहुत सीक्रेट है। तो चलो सीक्रेट बातें बताते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। देखो एक बात तो ध्यान से सुनो, पहले तो आपको ये पूरी वीडियो वॉच करनी होगी, ध्यान से सुनना होगा मैं जो बातें बता रहा हूँ। आप मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना बहुत जरूरी है, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में जब आगे बढ़ते हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब कोई एग्जाम देते हो, जब गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी ऐसा एग्जाम देते हो, तो उसमें जो मेरिट बनता है उसमें देखता है कि मैट्रिक एग्जाम में कितना नंबर बच्चा लाया, कितना परसेंट लाया, 12th में कितना परसेंट लाया, फिर सबका एग्रीगेट करके सबको जोड़ करके आपका मेरिट बनता है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, तो ये आपका जड़ है, इसको मिस मत करो, है ना, बल्कि ध्यान से इसको समझो, इस बात को ध्यान समझो। जब आप ध्यान समझोगे तभी आपका ये सही आएगा। एंड मैं आपको इस वीडियो में अपना प्रूफ दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स आया, तो मैं बताऊंगा, अपना पूरा खुलासा बताने वाला हूं, राज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुने कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे कितना परसेंट का हो चाहे कितना नंबर हो, आई डोंट नो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप जो है कम से कम 80% लाओगे, यानी कि 80 नंबर लाओगे, ठीक है। मैं बिहार बोर्ड से रिलेट करता हूं और मेरे पास ही बहुत सारे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, इसके अलावा और सारे बोर्ड वाले बच्चे हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको एक इमेजिन हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइम हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जो हम जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने 2011 में एग्जाम दिया था, 2011 में, है ना, और अभी चल रहा है 2022, मतलब करीब 10 साल हो गया, 10-11 साल हो गया, है ना। तो उस समय का पैटर्न क्या था और अभी का पैटर्न क्या है, तो मैं बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूं, आप भी लगभग मेरे सारे ऑडियंस लगभग बिहार बोर्ड से हो, तो आपसे मैं ज्यादा मुखातिब हो रहा हूं, बाकी जो अदर बोर्ड वाले सबका सिलेबस सेम टू सेम मैच करता है। लेकिन ध्यान से मेरी बातों सुनो, जिस समय मैं 2011 में, एक्चुअली 2009 में मैं 9th क्लास में गया था, उस समय ही सिलेबस बदल गया था, है ना। अभी 9th का सिलेबस कम कर दिया, पहले 9th का सिलेबस में पूरा त्रिकोणमिति हुआ करता था, पूरा प्रॉफिट लॉस वगैरह 9th में हुआ करता था, तो उसका चेंज कर दिया आपने, देखा 9th में कितना हल्का कर दिया सिलेबस, है ना, 10th का उससे भी हल्का कर दिया। तो जिस समय मैं 9th में गया था ना 2009 में, उसी समय 9th का सिलेबस चेंज हो गया, मतलब पूरा 10th का सिलेबस ही चेंज हो गया 9th 10th का। तो भाई साहब जो अब जो पैटर्न अभी जो पढ़ रहे हो 9th क्लास का, वही पैटर्न में पढ़ा, 2010 में 10th का पढ़ा, 2011 में मैंने 10th का एग्जाम दिया। उस समय जो है ना पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कोर्स हुआ करता था एग्जाम, पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, यानी कि बोला जाए तो 10 नंबर का आता था ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव नहीं, वो वन लाइनर होता था, वन लाइनर, है ना, एक लाइन में सवाल लिखा रहता था और उसी के नीचे हमको जवाब देना पड़ता था। सोचो अब आपको बिना ऑप्शन का सवाल का जवाब देना पड़ता था, ठीक है, बिना ऑप्शन का, ना तो वहां 4 ऑप्शन दिया हुआ जिससे हम चुन सके, अनुमान लगा सके कि ये ऑप्शन होगा, ठीक है ना, तो एक ही 10 ही सवाल, और उसके बाद जो 90 नंबर का जो सवाल हुआ करता था, 90 नंबर का जो सवाल हुआ करता था, इसमें तो तुम मान लो प्रैक्टिकल 20 नंबर का प्रैक्टिकल साइंस में, है ना, साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल, सोशल में 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो अलग हो गया, तो बचा कितना, मान लो कि 20 नंबर प्रैक्टिकल हो गया तो उधर 20 नंबर घट गया, तो बचा 80 नंबर, 80 नंबर में 10 नंबर था तो 70 नंबर का हमको एग्जाम देना पड़ता था। और मैथ में तो पूरा एग्जाम देना पड़ेगा, मैथ में प्रैक्टिकल तो नहीं होता ना, मैथ में तो पूरा 100% एग्जाम देना पड़ता, तो मैथ में भी वही फंडा था कि 10 ऑब्जेक्ट आता था, वन लाइनर एग्जाम आता था, और उसके बाद 90 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था। उस समय जब एग्जाम में दिया था तो तुम देखो यहां पे मेरा लिस्ट देखो, ये मेरा मार्कशीट देखो, कितना नंबर आया आप देख रहे हैं यहां पे, क्लास 10th 2011 में जो मैंने मार्कशीट दिया, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, 365 नंबर आया मेरा था, 365 नंबर आया। अब
उस समय के लिए मेरे लिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस समय मैं अपना स्कूल का टॉपर था। आजकल के 365 नंबर एकदम छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम का सिलेबस मैंने बता दिया, सिर्फ 10 क्वेश्चन आता था वन लाइनर का और बाकी सारा सब्जेक्टिव हुआ करता था। उस समय मैंने 365 लाया था। और उस समय पता है मेरे एरिया में, मेरे एरिया नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है ना मेरा, उस समय जो है ना एक डीएम थी सफीना एन नाम की डीएम थी। उस समय जो है ना बहुत सारे बच्चे एक्सपेल्ड हुए थे, पूरा बिहार में बहुत सारे बच्चे एक्सपेल्ड हुए थे उस समय, एकदम रिकॉर्ड ऊपर गया था स्पेल्ड का, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो स्पेल्ड नहीं होता, लेकिन मैं एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा मेरा नंबर आपको किसमें दिख रहा होगा, मैथ में, जिससे बच्चे को डर होता है। अक्सर बच्चे को मैथ से डर लगता है, लेकिन आपको इस वीडियो में पूरा के बारे में एक सब्जेक्ट बताऊंगा ना, उसी से सारा सब्जेक्ट आप रिलेट करोगे, ठीक है ना। मैंने मैथ में कितना लाया था, मैथ में मैंने 88 नंबर लाया था। अब मैं सोच रहा हूं कि 12 नंबर मैंने क्या किया, कैसे गलती कर दी मैंने तो 12 नंबर नहीं आया। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, एक वाक्य बता रहा हूँ। उसी टाइम मैं जब एग्जाम दे रहा था ना, तो देखो एग्जाम हॉल में क्या होता है, चीटिंग वीटिंग तो होता ही होता है, थोड़ा मना तो चीटिंग होता ही होता है। तो मैं भी चीटिंग किया थोड़ा मना, ऐसी बात नहीं। देखो एग्जाम हॉल में जब चीटिंग हो तो चीटिंग कर सकते हैं, है ना, लेकिन हो तब, लेकिन ऐसा बड़ा कोई रिस्क नहीं लेना है ना। ऐसा नहीं, उस पर डिपेंड नहीं रहना है कि चीटिंग होगा, रे एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं, चीटिंग होगा, चीटिंग से पास करेंगे, कतई ऐसा नहीं करना। मैंने पूरी पढ़ाई की, ठीक है ना। कभी लगता है कि ये क्वेश्चन याद ना, चलो चीटिंग देख रहे, आज पहली बार गया हम चिट्टा नहीं ले गए, सारे को बंदा चिट्टा ले जाकर छाप रहा, कुछ ना कुछ चिटिंग कर रहा, तो बंदा के अंदर में एक जज्बा पैदा, चलो यार थोड़ा सा हम भी ले चलते हैं, है ना। वहां पे होता कि याद रहा क्वेश्चन भूल जाओगे आप, और जब चिट्टा रहोगे ना, चिट्टा जो आपके पास रहेगा, जो पुर्जा रहेगा, उसी से लिखना शुरू करोगे। तो मैंने थोड़ा मैंने भी चिटिंग किया, साइंस में सोशल में चिटिंग मैंने किया, सब बस बेटा। लेकिन जब मैथ का टाइम आया था ना, जिस दिन मैथ था ना, कल मैथ था, तो मैंने पहले सोच लिया था, है ना, कि मैथ में हमको चिटिंग नहीं करना। यार फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच में बता रहा हूँ, है ना। मैंने पहले सोच लिया था कि मैथ में चीटिंग नहीं करना, और मैंने कुछ भी एक भी कागज नहीं ले गया था, एक भी कागज मैथ में नहीं ले गया था। एंड मैथ जब बना गया, जब पूरा एग्जाम हो गया, तो मेरे को 88 नंबर मैथ में, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना नंबर लाया। मैंने क्या किया, उस समय ना तो ऑनलाइन पढ़ाई होता था, सिर्फ एक जगह ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए, कोचिंग जाते थे पढ़ने के, वो ये हाल है। अब आपके अभी के दौर में क्या हो रहा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, दिख रहा ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा आपको, ऑनलाइन से पढ़ाई मिल रहा, ऑनलाइन से ज्ञान मिल रहा, ऑनलाइन से बहुत टीचर अपने अपने नजरिए से आपको नॉलेज दे रहा, पढ़ा रहा, फिर भी मैथ में बच्चा जो है 13 नंबर ला रहा, 12 नंबर ला रहा, पिछले बार का रिकॉर्ड है, बहुत बच्चे लाए हैं। और एक बात बताऊं, आप अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में अगर देखना चाहते हो जो बच्चा फेल हुआ है, उसका मार्कशीट निकाल के लाओ, उसका मार्कशीट मांगो ना, तो उसके मुंह से बस यही बात निकले, नहीं दिखाऊंगा प्लीज, क्योंकि उसको पता है फेल है। लेकिन तुम देखो, अगर तुमने उसे देख लिया ना, तो पता चलेगा मैथ में बंदा फेल था, बाकी साइंस में कुछ कुछ बच्चा साइंस में फेल होता है। तो तुम्हारे पास क्या था भाई, तुम्हारे पास अभी क्या है, पहले क्या था, पहले बहुत सारा ये था, है ना, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये होता है अगर इस नॉर्मल से एग्जाम में, जिस तुम्हारे पास 50% जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, MCQ 50% MCQ है, एंड 50% जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। और इसमें भी जो है सब्जेक्टिव नहीं, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है साइंस और सोशल में। तो आप जो प्रैक्टिकल, तो आपको वैल्यू प्रैक्टिकल का पैसा, आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको छोड़ दो, बाकी तुम जो खुद ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, जो खुद सब्जेक्टिव कर रहे हो ना, उस पर तुम खाली फोकस कर लो, है ना। अब बहुत सारे बच्चे को ना ये लगता है, सर लॉन्ग वाला सवाल याद नहीं होता, ये बड़ा टेंशन होता है सबको, लॉन्ग वाला सवाल नहीं होता। मैं बार बार बताऊँ, लॉन्ग के चक्कर में अभी मत पड़ो, अभी सबसे पहले आप जब वीडियो लास्ट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपने ऑब्जेक्टिव पे पूरा कमांड कर लिया है, क्या आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पूरा कमांड कर लिया है, यानी कि आपने अभी तो बाकी है टाइम, तो अगर जितना टाइम बाकी है, क्या इतना टाइम में आपने कितना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया, लगभग जैसे कि आप अगर 5 चैप्टर 10 चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ा है, तो इन 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का, चाहे उर्दू का, चाहे संस्कृत का, चाहे किसी भी का हो गया, सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपने पूरा किया है। पहले तो आपको ये पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चे बहुत सारे बोले, सर ऑब्जेक्टिव आप बता रहे, सब्जेक्टिव के बारे में बता रहे। देखो जो बच्चे बोलते ना, सर मुझे सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, देखते इतना लंबा चौड़ा लिखा रहता है और बोलता मुझे सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, तो वो बंदा उसी टाइम से इनकार कर लेता है कि मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं करना, याद नहीं हो पाता है।
तो तुम कम से कम ऑब्जेक्टिव तो याद करो अगर वो याद नहीं होता था। लेकिन अगर आप ये सोचते ना मुझे सब्जेक्टिव याद नहीं होता, तो तुम याद करने के पर्पज से सब्जेक्टिव मत पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ने के पर्पज से पढ़ो कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे इसके बारे में जानना है। और तुम जैसे ही सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करोगे ना, उसमें से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के बाहर आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये बुद्धि ऐसे लगाना है, अगर जो बच्चा लगता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर तुम ऑब्जेक्टिव याद करो, लेकिन आपको हर हाल में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, चाहे तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के करो, चाहे यूं ही रटो, चाहे जैसे करो, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। अब अगर इस टाइम में अगर ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट नहीं कर रखा तो 50 नंबर गए हाथ से। उसके बाद आपके पास 2 मार्क्स वाला सवाल या तो 3 मार्क्स वाला सवाल है ना, चाहे 2 मार्क्स का चाहे 3 मार्क्स का, और एक आता 5 मार्क्स का सवाल। ये तीन कैटेगरी के यहां पे देखने को मिलता है। यहां से टोटल आपको हर सब्जेक्ट में चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, हर सब्जेक्ट में 50% आपको मिलेगा। अगर साइंस में है तो कितना मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा, अब बाकी उधर से आएगा ना, प्रैक्टिकल आएगा उधर से, ठीक है। तो मैं मानता हूं 50% मिलेगा, यानी कि 50-50 नंबर हर सब्जेक्ट से मिलने वाला है, ठीक है। अब आप अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आ रहे हो, तो 2 नंबर 3 नंबर में आपको ना, आपको कम से कम यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर में 20 नंबर से 30 नंबर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कम से कम 20 से 30 नंबर का। मैथ की बात करें तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 50 नंबर मैथ में ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का 2 नंबर वाला, 30 नंबर का 30 मार्क्स का 2 नंबर वाला मिलेगा सवाल, तो 80 नंबर तो ऐसे ही हो गया। और वो जो 2 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है ना प्यारे, वही ऑब्जेक्टिव को ही 2 नंबर में एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको जब बताओगे ना तो एक्सप्लेन करके बताओगे, वो आपको 2 नंबर मिलेगा। और रंगने वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको आप तुम टिक लगाओगे पढ़ करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो बिना सब्जेक्टिव बनाए ऑब्जेक्टिव तो बनेगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप तो थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे ध्यान दोगे ना तो ये आप ऑटोमेटिक समट आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान से रखो, 2 नंबर वाला सवाल या 3 नंबर वाला सवाल पहले इस पे पूरा फोकस करो तुम। जैसे ही तुम इस पे फोकस करोगे तो ये नंबर तुम्हारा फोकस हो जाएगा। और अगर यदि आप 5 नंबर सवाल पे फोकस करते हो, 5 नंबर वाला सवाल पे फोकस करते हो, तुम याद करने के पर्पज से मत पढ़ो कि हमको इसको याद करना है। और जब अपने दिमाग को ये समझा लिया ना कि मुझे याद करना, तो दिमाग बोरिंग हो जाएगा, अरे यार हमसे तो याद नहीं होता, हम कैसे याद करें, नहीं याद हो पाएगा। तो दिमाग को समझाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे अब ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन को मुझे जानना है। ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड कितने प्रकार के होता है ना, ब्लड का क्या काम है। अब तुम उसके बारे में तुम जो पढ़ रहे हो ना, वही तुम्हारा सब्जेक्टिव का आंसर बनेगा, लेकिन उसी में से कितना सारा ऑब्जेक्टिव निकल के बाहर आएगा, तो तुमको तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, तुमको रटने नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ये काम करो। और अगर आपने ये सब काम भी नहीं किया और आप मैट्रिक पास हो गए, फिर इसी तरह से लटक पटक के इंटर पास हो जाओगे, फिर लास्ट में जब कोई जॉब की मैटर आएगा, कोई जॉब लगने की बारी आएगी, तो वही होगा, है ना, कम मार्क्स आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर सेलेक्ट किया जाओगे, मेरिट लिस्ट से कोई जॉब अगर बनता है, तो आप तो छटा जाओगे, फिर क्या करोगे, वही लेबर मजदूर वाला काम करोगे और क्या करोगे। लेकिन जब अच्छा नंबर आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो तुम यही बोलोगे, अपना मार्कशीट देख करके खूब खुशी मनाओगे, है ना। तो यही मैं बता रहा हूं कि उस समय 2011 में मैंने एग्जाम दिया था तो 365 नंबर लाया था, हालांकि कोई बड़ी बड़ा नंबर नहीं है। और आजकल के बच्चे अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो 400 प्लस नंबर लाएगा, मतलब एकदम मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, मिनिमम नंबर बता रहा हूँ। हर बच्चा 400 प्लस नंबर लाए, 400 नंबर ला सकता है हर बच्चा, थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो। और जो एक्स्ट्रा नंबर, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो 5 नंबर वाला, यानी कि आपको 450 नंबर जाएगा, 470 नंबर जाएगा। तो हर बच्चा आगे निकलने चाह रहा और तुम पीछे जाना चाह रहे हो, तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फिर आगे चलकर जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो तुम तो यूं ही छट जाओगे ना यार, तुम तो फिर यहीं छट जाओगे। फिर फायदा क्या हुआ तुम्हें, ये 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव का फायदा क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें क्यों, जब सरकार ने दे रखा तो इसका फायदा उठाओ, ये क्योंकि सरकार दे रखा तो इसको फायदा उठाना भी अपनी जिम्मेदारी और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अब अगर कंपेयर किया जाए मेरे और 2021, 2022 और 2023 के एग्जाम में, तो मुझे बताओ मेरे से तो काफी ज्यादा नंबर लाएगा, हर कोई बच्चा लाएगा नंबर, मेरे से ज्यादा नंबर लाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे से ज्यादा नंबर लाए, क्योंकि उस समय की बात अलग, सेशन की बात है ना। अब इससे पहले वाला सेशन बच्चा, चूंकि 100 ऑब्जेक्टिव था तो 100 में 50 बनाना था, 50 छोड़ देना था। अब क्या है, 60 ऑब्जेक्टिव है, 10 छोड़ना है, 50 बनाना है, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हुआ ना, थोड़ा सा हार्ड हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने सेशन की बात करो कि हमें अपने सेशन में अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करना है, ठीक है ना, ताकि अच्छा नंबर आए। और बाकी रही बात चीटिंग फिटिंग करने का, तो ये सब सोचना मत अभी चीटिंग करने का, ठीक है ना, वो अंत समय में जब ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो देखना, लेकिन अपने दिमाग में कभी चीटिंग के बारे में मत लाओ, है ना। क्योंकि जो तुम पढ़ोगे, जो तुम लिखोगे, तुम्हारे अंदर जो मेरिटेरियस, जो मेरिट रहेगा ना, वही वहां पे सामने आने वाला है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, मैं जैसे बताया वैसे करने का, आपको सबसे
सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है। अगर तुम सब्जेक्टिव पढ़ना नहीं चाहते हो तो उसके बाद दो नंबर वाला सवाल फोकस करना। अगर आपने ये दोनों को फोकस कर लिया तो हर सब्जेक्ट में 80% के आसपास में नंबर आएगा, तो आएगा 100% आएगा। आप देख लो ना, मैथ देख लो, साइंस देख लो, साइंस की बात करता हूं तो 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 बनाना है, 40 नंबर मिल जाएगा उधर से, ठीक है ना। उसका दो दो नंबर का सवाल भी तो रहेगा ना उसमें, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल भी तो मिलेगा ना, तो 20 नंबर तो नहीं मिलेगा, 18 नंबर मिलेगा, 16 नंबर मिलेगा, तो 40 नंबर इधर से आपने बनाना है। चलो मैंने 18 नंबर माने, कितना हो गया, 58 नंबर हो गया, है ना। अब क्या हो गया, 58 नंबर हो गया। उसके बाद तुम दो नंबर या पांच नंबर में कुछ तो बनाओगे, कितना घट रहा, 80 में से 58 घटा लो, कितना घट रहा, देखो तुम 22 नंबर। तुम अब सब्जेक्टिव से 22 नंबर भी नहीं ला सकते हो, हद है यार, फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। तुम जो सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना वही ऑब्जेक्टिव आएगा, और उसी बातों को तुम सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करके लिखोगे। तो रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ जोश और जुनून के साथ कि अभी से मुझे इस रूटीन को फॉलो करना है और अच्छा से अच्छा नंबर लाना अपने फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, ताकि तुम अपने बाल बच्चा को दिखा सको, बेटा मैंने इतना नंबर लाया था, है ना। तो तब तो आपका बेटा, आपके परिवार, आपके आने वाले नस्ल आपको गर्व करेगा। और आपके पड़ोसी कितना नंबर लाया, थोड़ा आंको तुम जाके, है ना, आपके पड़ोसी कितना नंबर लाया थोड़ा सोचो, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आप अपना दिमाग में लगा लो, मेरे गांव में कितना नंबर लाया, उससे ज्यादा नंबर लाना है मेरे को, ताकि सब गांव वाला मेरा नाम ले, है ना, मेरे बारे में बोले, मेरे माँ बाप के नाम बोले, मेरे माँ बाप की तारीफ करे, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में को सबसे ज्यादा किसका नंबर आया, ताकि डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम हो, डीएम साहब आपके घर में आए, है ना, एसपी साहब आपके घर में आए, शिक्षा अधिकारी वो आपके घर में आए और आपको क्या सम्मानित करे, आपको सम्मानित करे। उस तरह से आप सोचो अपने बिहार में कैसे टॉप करे। तो भाई साहब, सोचने पर सब कुछ होता है, सोचना है और उस पे एक्टिविटी करना, ऐसा नहीं कि सोच के बस गम के चादर ओढ़ के सो गए, ऐसा नहीं होता है। सोचना है और उस पे काम करना, ये दो काम करना है, दो ही ये काम करना। सोचना है, पहले एम बना लिया है और एम बनाने के ऊपर काम करना है। जैसे तुम काम करोगे ना, तब थोड़ा सा मजा आएगा, जान आएगा। तो तुमने अगर टॉप करने के सोचा है यार, तो कम से कम टॉप नहीं कर पाए तो टॉप 10 में तो आओगे ना। टॉप 10 मतलब 480 नंबर से मान लो कोई बच्चा टॉप हो रहा, या तो 90% से कोई बच्चा टॉप हो रहा, तो चलो तुम में भी किस्मत खराब रहा, टॉप नहीं हो पाए, तो तुम्हारे पास मान लेते कि 85% तो आएगा, क्या दिक्कत है यार, कब आया, लेकिन आया तो। लेकिन किसी बच्चे ने पहले सोच रखा यार, हट 300 नंबर आ जाएगा सर, बहुत अच्छा है, पता चला कि 299 नंबर आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, खत्म, ओके। वीडियो क्लास करते हैं, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, नीचे कमेंट करना एंड बताना आपको मैंने क्या सवाल पूछा था, जो सवाल मैंने पूछा था शुरू में उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके डैड साहब, थैंक यू एवरीवन।